सो गाइज, दिस इज कमिल एंड यू वॉचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए है पावर डायरेक्टर के अंदर आप कैसे ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, फोटो से ट्रेंडिंग वीडियो कैसे आप बना सकते हो। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और जल्दी से हम चलते पावर डायरेक्टर वीडियो एडिटिंग ऐप की तरफ। ओके गाइज, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ पावर डायरेक्टर वीडियो एडिटिंग ऐप में। तो पावर डायरेक्टर पर आने के बाद सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद आप यहां से 9:16 एस्पेक्ट रेशियो को चूज कर लेंगे एंड देन आप यहां से अपना फोटो ऐड कर लेंगे। तो यहां से वीडियो से आपको फोटो ऑप्शन को चूज करना है। फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां से अपना फोल्डर चूज करेंगे जिस फोल्डर के अंदर आपकी फ़ोटो रखा हुआ है। तो यहां से मैं अपना फोल्डर चूज़ किया एंड देन यहां से मैं अपना फ़ोटो ऐड कर लूँगा। तो आप अपनी फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो नीचे आ जाएगा, आप देख सकते हो। इसी तरीके से आप अपना सारा पिक्चर ऐड कर लेंगे एक एक करके टाइम लाइन पर। सो जितना ज़्यादा फोटो ऐड करोगे आपका वीडियो उतना अच्छा बनेगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो ऐड करें टाइमलाइन पर। तो मैं इतना फ़ोटो ऐड किया। उसके बाद हमें इस कॉर्नर पे प्ले का आइकन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी हमें क्या करना है, अपनी फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एक पेन का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। पेन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फिट एंड फिल, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर फिल के ऊपर क्लिक करना है तो आपका फ़ोटो पूरी स्क्रीन पर फिट हो जाएगा। उसके बाद आपको आ जाना है बैक सेकंड फ़ोटो पर आना है, सेम आपको इसको सिलेक्ट करना है, फिट एंड फिल के ऊपर क्लिक करना है और इसको भी फिल कर लेना है। तो इसी तरीके से आप अपना सारा पिक्चर सबसे पहले पूरी स्क्रीन पर फिल कर लेंगे लाइक दिस, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सभी फ़ोटो को फिल कर लिया पूरी स्क्रीन पर। उसके बाद यहाँ से हमें सिंपली आ जाना है बैक और यहाँ पर आ जाना है बिल्कुल बैक। बैक आने के बाद इसकी स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाना है और यहाँ पर आपको फ़ोटो के बीच में एक ब्लैक बॉक्स आ रहा है, आप देख सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे काफ़ी सारा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप अपनी फ़ोटो पर इन इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो लाइक इस टाइप का, तो ये आप देख सकते हो। तो काफ़ी सारा इफेक्ट मिलता है यहाँ से, जिस टाइप के इफेक्ट आपको चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो लाइक आप देख सकते हो, काफ़ी अमेजिंग इफेक्ट मिलेगा। सो यहाँ पर आप अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ढेर सारा इफेक्ट मिलेगा, तो जिस टाइप के इफेक्ट हमें चाहिए मिल जाएगा यहाँ पर। तो मैं जस्ट आपको डेमो दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको बनाना है, बाकी आपको जिस टाइप का इफेक्ट अच्छा लगता है आप उसी टाइप का इफेक्ट यूज़ करके अपना वीडियो क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो काफ़ी सारा इफेक्ट है यहाँ पर, मैं आपको कितना इफेक्ट यूज़ करके दिखाऊँ आप अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सा इफेक्ट आपके हिसाब से सबसे बढ़िया है, ठीक है, और कौन सा इफेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो मैं कुछ इस टाइप का इफेक्ट अपनी फ़ोटो पर अप्लाई करूँगा, आप देख सकते हो। उसके बाद हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेम इस पर भी हम कुछ इस टाइप का इफेक्ट अप्लाई करेंगे लाइक कि यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से मैं इफेक्ट अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, किस टाइप किस तरीके से आपको इफेक्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं कोई स्पेसिफिक इफेक्ट अप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ से जस्ट रैंडमली इफेक्ट अप्लाई करूँगा, लेकिन आप स्पेसिफिक इफेक्ट अप्लाई कीजिएगा अपनी फ़ोटो पर तो भी आपका फ़ोटो जो है आपका वीडियो बेस्ट तरीके से बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रैंडमली कुछ इफेक्ट डाल लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है बैक। बैक आने के बाद अभी आपको क्या करना है, फ़ोटो का टाइम ड्यूरेशन आपको कम कर लेना है, ठीक है। सो इतना रख लेना है सभी फ़ोटो का टाइम ड्यूरेशन लाइक, ठीक है, इस तरीके से। तो सब फ़ोटो का टाइम ड्यूरेशन आपको अराउंड इतना कर लेना है इस तरीके से। सो आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं छूटा कर रहा हूँ सभी फ़ोटो का टाइमलाइन, इसी तरीके से आप भी सभी फ़ोटो का टाइमलाइन को छूटा कर लेंगे। और कहाँ पर इफेक्ट लगाना है वो तो मैंने आपको दिखा दिया, जो ब्लैक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको इफेक्ट लगाना है, ठीक है। जो आइकन मिलता है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इफेक्ट पैनल आ जाएगा और यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से काफ़ी स्मूथ आपको इफेक्ट मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। ओके, सो इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। सो आप देख सकते हो मैंने कर लिया। अभी यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो के साथ म्यूज़िक
ऐड करना है। तो इसके लिए आपको ये जो मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है म्यूज़िक के ऑप्शन, और यहाँ से आपको आ जाना है म्यूज़िक पर। म्यूज़िक पर आने के बाद आप यहाँ से अपना फोल्डर चूज़ कर लेंगे, लाइक जिस फोल्डर के अंदर आपकी म्यूज़िक रखा हुआ है। ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपना म्यूज़िक ऐड कर लिया। उसके बाद हमें इसको ना प्ले आइकन के ऊपर क्लिक करना है, एंड ये आप देख सकते हो म्यूज़िक आ चुका है और कुछ इस तरीके से आपका वीडियो प्ले होगा। मैं जस्ट यहाँ पर रेंडमली इफेक्ट अप्लाई किया इसलिए हमारा जो वीडियो उतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप अगर ध्यान से देख देख कर इफेक्ट अप्लाई करते हो अपनी फोटो पर तो आप नेक्स्ट लेवल का ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग कर सकते हो पावर डायरेक्टर के अंदर। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट पावर डायरेक्टर के अंदर ही मिलता है, ठीक है, इस टाइप का इफेक्ट। तो इन सभी इफेक्ट यूज़ करके आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। ओके सो म्यूज़िक का जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको नहीं चाहिए उसको आपको स्प्लिट करके डिलीट कर लेना है। यहाँ से आप देख सकते हो म्यूज़िक हमारी फोटो के साथ एडजस्ट हो चुका है, और यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। मान के चलो ये इफेक्ट आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। सो आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथली इफेक्ट आपको मिलेगा, तो जस्ट आपको अप्लाई करना है। और इस टाइप का जूम इफेक्ट भी मिलता है आपके पास, तो आप चाहो तो जूम इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को सेव करना है तो इसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से सेव टू गैलरी और एसडी कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से फुल HD 1080p को आपको चूज़ करना है। प्रोड्यूस के ऊपर क्लिक करना है तो आपका वीडियो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।